दोस्तों, श्रीमद् भागवत के अलावा अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी महर्षि धौम की विस्तार से चर्चा की गई है और इन्हीं ग्रंथों के आधार पर महर्षि धौम का आश्रम यमुना नदी के किनारे बताया गया है। दोस्तों, किसी समय इटावा इष्टकापुरी के नाम से प्रसिद्ध था और इटावा पंचाल क्षेत्र के तहत आता था, इसलिए महर्षि धौम ने इस स्थान को अपनी साधना का केंद्र बनाया था। दोस्तों, प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं इटावा केकी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विद्याकांत तिवारी जी का कहना है कि महर्षि धौम का आश्रम महाभारत कालीन पांचाल क्षेत्र का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था। यहाँ पर श्रुति श्रमति एवं पारायण शैली की शिक्षा दी जाती थी और दोस्तों, उन्होंने अपने शिष्यों से ताड़पत्रों व भोजपत्रों पर विभिन्न विषयों के ग्रंथों को लिपिबद्ध भी कराया था। और दोस्तों, इस आश्रम में कई यज्ञशालाएं भी थी जिनमें प्रतिदिन यज्ञ होते रहते थे। और दोस्तों, धूमेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में ही महर्षि धौम की समाधि बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जन सेतु के अनुसार यहाँ पर पहले सिर्फ शिवलिंग व महर्षि धौम की समाधि बनी हुई थी, लेकिन बाद में सुमेर सिंह किले का निर्माण हुआ। उसी समय राजा सुमेर सिंह ने मंदिर व यमुना किनारे अन्य घाटों का भी निर्माण करवाया था। और दोस्तों, इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस स्थान पर पांडवों ने भी कुछ दिन व्यतीत किए। जी हाँ दोस्तों, आप यह वीडियो लास्ट तक अंत तक पूरा देखें और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर लें। दोस्तों, आज हम आप लोगों को दर्शन करवाने वाले हैं इटावा जिले में स्थित धूमेश्वर महादेव मंदिर के। जी हाँ दोस्तों, सदियों से शिव साधना के प्राचीन केंद्र के रूप में विख्यात रहा यह मंदिर इटावा के छपेटी घाट पर बना हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में जो मान्यता है, कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित धूमेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग की स्थापना पांडवों के गुरु महर्षि धौम ने की थी। दोस्तों, जन श्रुति के आधार पर बताया जाता है कि धूमेश्वर महादेव के शिवलिंग को बटेश्वर के राजा महाराज भदावर ने ले जाने की कोशिश की थी और इस शिवलिंग को खुदवाया भी था। जैसे जैसे दोस्तों इस शिवलिंग को खोदना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे यह शिवलिंग दोस्तों जमीन में और धसता चला गया। फिर धीरे धीरे जब यह शिवलिंग बाहर नहीं आया, उसके बाद राजा भदावर ने खुदाई बंद करवा दी और ये शिवलिंग आज उसी स्थान पर उसी स्थिति में स्थापित है। ये तकरीबन अपने धरातल से दोस्तों 15 फीट नीचे आ चुका है। वैसे तो दोस्तों, इटावा जिले में भगवान शिव के प्राचीन मंदिरों की संख्या कम नहीं है और कुछ मंदिर अपना अलग ही महत्व रखते हैं। उन्हीं में से एक है यह इटावा का धूमेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि यमुना नदी के घाट पर बसा हुआ है, बना हुआ है। दोस्तों, जैसी इस मंदिर की मान्यता है, प्राचीनता है, उस हिसाब से इस मंदिर का खासा विकास नहीं हो पाया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को यह इमारत दिख रही होगी, यहाँ लोकल में प्राप्त जानकारी के आधार पर बताया जाता है कि यह इमारत सिर्फ जमीन से ऊपर 2 मंजिला ही है और बाकी 2 मंजिला यह इमारत जमीन के नीचे धसी हुई है, दबी हुई है। और भी यहाँ कई अन्य ऐसी इमारतें हैं जो जमीन के अंदर धसी हुई हैं और बताया जाता है कि इसी इमारत के नीचे से एक सुरंग जाती थी जो यहाँ से बटेश्वर किले के लिए, नौगांव किले के लिए और राजा सुमेर सिंह इटावा फोर्ट के लिए बाकी अन्य कई स्थानों तक निकलती थी। दोस्तों, इस शिव मंदिर की विशेषता यह है कि जहां अन्य शिव मंदिरों में भगवान का पूरा परिवार रहता है, वहीं इस मंदिर में केवल शिवलिंग ही स्थापित है। जन श्रुति के मुताबिक भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण व पांडव भी महर्षि धौम के आश्रम में आए थे और इन सभी ने इस स्थान पर कुछ दिन तक विश्राम भी किया था। और दोस्तों, आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी व राजघराने के राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे।
और यहाँ पर ही महर्षि के प्रिय शिष्य आरुणि तथा उपमन्यु ने अपने ज्ञान का विस्तार किया था। ये दोनों शिष्य भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे और महर्षि धम ने अपने प्रिय शिष्यों के लिए साधना द्वारा शिवलिंग प्रकट की थी और यही शिवलिंग आज धूमेश्वर महादेव के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। और अगर हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि भविष्य में आने वाले हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों से फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।